अल्लाह पढ़ लें, मैं गिमाऊ मेरी माँ की थोड़ी पढ़ी थी भाई। अब इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन करेंगे। कला पंडे मैग्जीमा और मिनीमा की थ्योरी पढ़ी है भाई। अब इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन करेंगे, बट जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैग्जीमा मिनीमा। तो देखो कल मैंने ये बताया तुम्हारे को, थ्योरी में अपन ने ये पढ़ा भाई, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, जो भी गिवन है अपने को, जो भी फंक्शन गिवन है उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वन टाइम क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वन टाइम डिफरेंशिएट करके उसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, फिर क्या करना है अपने को, डबल डिफरेंशिएशन करना है अपनी, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन टू टाइम जो अपन ने डिफरेंशिएट किया है, अगर ये अपने पास ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन क्या है बताओ, जीरो है, तो फिर वहां क्या ऑब्टेन होगा अपने को बताओ, मिनिमा ऑब्टेन होगा। इसमें अपोजिट टर्म ही बताया था, यहाँ क्या ऑब्टेन होगा बताओ, मिनिमा, मिनिमा ऑब्टेन होगा। और देखो अगर डबल डिफरेंशिएशन, अगर जो डबल डिफरेंशिएशन है वो लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन क्या आ रहा है बताओ, जीरो आ रहा है, तो फिर वहां मैक्सिमा ऑब्टेन होगा। मैक्सिमा क्या होगा बताओ, ऑब्टेन होगा। ये अपने बात की थी, ये इसकी बेसिक थ्योरी है। कैसे क्वेश्चन होंगे उसकी बात कर रहे हैं अपन। अब देखो इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन गिवन है अपने को मैक्सिमा मिनिमा के बेसिस पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वाई का वैल्यू गिवन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बेसिस पे, वाई का वैल्यू गिवन है अपने को, y का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन गिवन है मेरे को y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। क्वेश्चन क्या गिवन है बताओ, क्वेश्चन ये गिवन है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, माइनस 4x प्लस 6, ये क्वेश्चन गिवन है। देन फाइंड वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम, देन फाइंड वाई मैक्सिमम एंड वाई मिनिमम, y मैक्सिमम या फिर y मिनिमम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क्स आप देखो सबसे पहले क्या करना है अपने क्वेश्चन में, उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो देखो y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy / dx आएगा, और इसको किसके इक्वल रखना है बताओ, जीरो के इक्वल रखना है। यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है, और फिर वहां से चेक करना है कि जो फंक्शन है ये जो अपने को गिवन है वाई का वैल्यू वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो देखो
ये आ गया डी अपॉन डी एक्स, वाई का वैल्यू कर दो, वाई का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, और इक्वल में क्या आ रहा है बताओ, जीरो आ रहा है। ये आ गया डी अपॉन डी एक्स, सब कुछ है फ्रेंड लिख दो, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया डी अपॉन डी एक्स, क्या आ गया फोर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, और ये कितना आ गया बताओ सिक्स, इक्वल में कितना आ गया बताओ जीरो। अब देखो अब अपने को डिफरेंशिएशन करना है, देखो एन का वैल्यू कितना है, यहाँ टू है, पावर को मल्टीप्लाई में लेंगे, हेलो 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 हेलो, फोर को आउटसाइड ले लिया, ये हो गया डीएक्स ओवर डीएक्स, सिक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, डीएक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया बताओ, यहाँ से आएगा टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू कितना आ गया बताओ, जीरो हो गया, यहाँ से 2x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 4 आएगा, मीनिंग x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बताओ 2 आएगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन फिर क्या करना है, जब x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो डबल डिफरेंशिएशन करना है, मीनिंग अब क्या फाइंड आउट करना है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, d अपॉन dx और dy by dx, यानी अब किसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, dy by dx को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये क्या आ गया d अपॉन dx, dy by dx फाइंड आउट कर चुके हैं भाई, dy by dx इक्वल टू जीरो है, dy by dx का वैल्यू दिया है, ये जीरो से इतनी है, dy by dx का वैल्यू कितना है 2x माइनस है 4 है, तो dy by dx के प्लेस पे कितना लिख देंगे बताओ, 2x माइनस 4 लिख देंगे, यहाँ कितना आ गया 2x माइनस है 4, 2x माइनस 4 लिख दिया। अब देखो अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, देखो d अपॉन dx ब्रैकेट के अंदर को में 2x माइनस d अपॉन dx और ये कितना आ गया बताओ, 4 आ गया, ये आ गया d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ये टू आउटसाइड ले लो, ये आ गया dx ओवर dx और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बताओ, जीरो, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर ये 2 माइनस 0 कितना हो गया 2 हो गया, देखो डबल डिफरेंशिएशन कर लिया अपने, और वो डबल डिफरेंशिएशन बताओ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मीनिंग 1 से क्या है बताओ वो ब्रेक है, वो सॉरी 0 से क्या है बताओ ब्रेक है, तो बताओ डबल डिफरेंशिएशन जब जीरो से ग्रेटर आता है तो क्या होता है, होता है बताओ मिनिमम, अपोजिट आता है, मैंने बताया था, मैंने बताया था अपोजिट आता है तो अपना क्या ऑप्टेन हो गया बताओ, मिनिमम ऑप्टेन हो गया, मीनिंग वाई मैक्सिमम आएगा या वाई मिनिमम आएगा, तो वाई क्या आएगा मिनिमम आएगा, वाई मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा देखो, वाई मिनिमम आएगा, तो पता पड़ गया कि जो फंक्शन है जो वैल्यू गिवन है वो मिनिमा देगा, और कितना मिनिमम वैल्यू देगा अपने को, तो देखो x का वैल्यू कितना पुट करना है 2 पुट करना है, x का वैल्यू पुट करना हो तो x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया और प्लस कितना आ गया बताओ 6 आ गया। अब देखो ये कितना जाएगा, ये आ गया 4 माइनस 8 प्लस 6, तो देखो y मिनिमम कितना आ जाएगा अपने पास, y को मिनिमम है 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, 10 से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा बताओ 2, y मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मीनिंग ये जो अपने को गिवन था y इक्वल टू
-4x+6 इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है बताओ, 2 हो सकता है भाई। मिनिमम का मीनिंग ये है इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? देखो देखो y इक्वल टू 5 + 2x - x2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है y इक्वल टू 5 + 2x - x2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो y इक्वल टू क्या गिवन है बताओ, 5 + 2x y इक्वल टू 5 + 2x - x2 गिवन है, 5 + 2x - x2 गिवन है, then find y maximum and y minimum, then find y maximum और y minimum, y maximum या फिर y minimum find out करना है। थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन पे से। then find y maximum और y minimum, y maximum या फिर y का minimum है वो find out करना है। अब देखो सबसे पहला क्या काम करना है बताओ अपने को। हेलो हेलो डिफरेंशिएट करना है इसको, किसके इक्वल करना है बताओ, 0 के इक्वल करना है, मीनिंग dy by dx फाइंड आउट करना है और किसके इक्वल रखना है उसको, 0 के इक्वल है। तो देखो dy by dx फाइंड आउट कर रहे हैं फिर 0 के इक्वल रखेंगे इसको और वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये क्या आ गया, d upon dx आ गया, y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, y का वैल्यू कितना है 5 + 2x - x2 इक्वल में 0। सबको सेम ब्रैकेट दो, d अपॉन dx आ गया 5 प्लस का साइन आ गया d अपॉन dx और इतना आ गया बताओ 2x आ गया माइनस d अपॉन dx और ये क्या आ गया बताओ x स्क्वायर आ गया पावर को मल्टीप्लाई में ले लेंगे, पावर में से कितना सबट्रैक्ट कर देंगे बताओ, 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल में कितना आ रहा है बताओ, 0 आ रहा है। देखो ये आ गया 2
माइनस कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इक्वल में क्या आ गया बताओ, 0 आ गया। यहां से क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 2, मीनिंग जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो x का वैल्यू कौन आ जाएगा, यहां से एक टाइम उसका डिफरेंशिएशन करके 0 को इक्वल कर दिया। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन करना है अपने को, और फिर चेक करना है कि वो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। देखो अब फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया डी अपॉन डी एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, और डी वाई बाई डी एक्स, मीनिंग इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और उसको क्या लिख दिया अपने बताओ, डी अपॉन डी एक्स, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अपने को डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बताओ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ये रहा dy by dx का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 माइनस है 2x, तो dy by dx के प्लेस पे कितना लिख दूं मैं, 2 माइनस 2x लिख दूं, इक्वल में क्या आ रहा है बताओ, 0 चल ही रहा है अपने पास। d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर सेपरेटली दो इसको, d अपॉन dx क्या आ गया 2, फिर माइनस का साइन हो गया, d upon dx और ये कितना आ गया बताओ, 2x आ गया, तो इधर जीरो नहीं है, इक्वल में जीरो है यहाँ। अब देखो d square y over dx square, two constant है, constant का differentiation zero हो गया, यहाँ से two outside ले लो, ये हो गया dx over dx, dx से dx cancel हो जाएगा, d square y over dx square का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस का 2 आ रहा है, 0 माइनस 2 वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। अब देखो माइनस का 2 आ गया बताओ वो लेस देन क्या है, 0 है, तो जब डबल डिफरेंशिएशन करें वो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद में अगर उसका वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है तो बताओ मैक्सिमा आएगा या फिर मिनिमा आएगा, तो क्या आएगा मैक्सिमा, मैक्सिमम आएगा। और जो है y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीनिंग अपने को y मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो देखो y मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, मीनिंग y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, y पे इंटीग्रेट आ गया प्लस बताओ x का वैल्यू कितना पुट करने पे y मैक्सिमम देगा, x का वैल्यू 1 पुट करना है तो 2 मल्टीप्लाई में कितना हो गया बताओ, 1 हो गया, माइनस x x का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर हो गया कितना हो जाएगा बताओ, 5 प्लस 2 माइनस 1 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो y मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 6 आ जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है फंक्शन दे रखा है अपने को, क्वेश्चन में गिवन है f(x)
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² + 12x + 2 वही फाइंड आउट करना है कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो मेथड वही है, अब देखो मेथड वही है भाई, फर्स्ट टाइम भी डिफरेंशिएट करो और किसके इक्वल दो को जीरो के इक्वल हो, वहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो अपने क्या करना है, डी ओवर डी एक्स डी बाई डी एक्स और इसको डिफरेंशिएट करना है वाई के प्लेस पे फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है इक्वल टू क्या रखना है बताओ, जीरो रखना है। वैल्यू टू कर दो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बताओ 9x² + 12x + 2 हो जाएगा और इक्वल में लिखना गया बताओ जीरो आ गया। सेपरेटली दो इसको d बाई डी एक्स क्या गया 9x² + d बाई डी एक्स 12x + d बाई डी एक्स ये 2 हो जाएगा और इक्वल में क्या चल रहा है बताओ जीरो चल रहा है। 9 कांस्टेंट का आउटसाइड ले लो d बाई डी एक्स ये एक्स स्क्वायर हो गया, 12 कांस्टेंट का आउटसाइड ले लो dx ओवर dx 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया इक्वल टू 0 चल रहा है। अब देखो n का वैल्यू 2 है, पावर को मल्टीप्लाई में ले लो, पावर में से 1 सबट्रैक्ट कर दो भाई प्लस 12 इक्वल में क्या आ गया मतलब 0 बताओ कितना आ गया यहाँ से 18x + 12 = 0 यहाँ से आ गया 18x + 12 = 0 x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। तो देखो 18x = आ गया माइनस का 12 x = आएगा माइनस में माइनस का 12 अपॉन 18 6 से कैंसिल कर दो वो टाइम हो जाएगा ये 3 टाइम हो जाएगा यानी x का वैल्यू कितना और 10 हो गया माइनस का 2/3 x का वैल्यू आ गया माइनस का 2/3। अब डबल डिफरेंशिएशन करना है और ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो देखो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे मीन d² / dx² y के प्लेस पे क्या है बताओ फंक्शन ऑफ x है, y के प्लेस पे क्या है बताओ फंक्शन ऑफ x है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है d ओवर dx और बताओ इसको लिख सकते हैं d y के प्लेस पे f ऑफ x लिखा हुआ है अपॉन d भाई अपन क्या लिखते थे यहाँ dy ओवर dx लिखते थे, अब dy के प्लेस पे क्या है d फिर फंक्शन ऑफ x है y के प्लेस पे क्या है फंक्शन ऑफ x ये d का हुआ है कंप्यूटर और इसको यहाँ नेक्स्ट लगा लो ये हो। अब देखो अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं d² / dx² f ऑफ x वैल्यू पुट कर दो d अपॉन dx इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं d / dx और किसका डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ x का
इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका वैल्यू आया था 18x plus 12, जीरो पे एडिटी है ही। इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 18x plus 12, तो यहाँ पर कर दो 18x plus 12। आप देखो ये कितना आ गया, d square over dx square, function of x हो गया ये, separately दो इसको d by dx, 18x हो गया, plus d by dx और ये 12 का। आप देखो आ गया d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ x हो गया, इक्वल में देखो 18x में से 18 को आउटसाइड ले लो, कांस्टेंट है ये, हो गया dx ओवर dx हो गया 12, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, जीरो होता है। अब देखो आ गया d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x है, बताओ ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बताओ जो 18 आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, मीनिंग ये जो फंक्शन है वो क्या देगा बताओ, मिनिमम क्या देगा बताओ, मिनिमम देगा। अब अपने को इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां लिख देता हूं f ऑफ जो x है फंक्शन है वो मिनिमम देगा, मैंने उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, और x का वैल्यू कितना खुद करने में मिनिमम देगा बताओ, माइनस का 2 भाई, f x के प्लेस पे देता हूं माइनस का 2/3, और ये मिनिमम देगा, ये मिनिमम हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कर दो, पुट कर दो, जो फंक्शन था उसमें x के प्लेस पे कितना था बताओ, माइनस का 2 भाई, देखो 9 x के प्लेस पे कितना पुट कर दो, माइनस का 2/3, तो ये आ गया माइनस का 2/3, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 12 में x का वैल्यू कितना पुट करना है, माइनस का 2/3 और प्लस 2 18 आ जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9 तो 83 है, इसका स्क्वायर जब करोगे इसका क्या करोगे बताओ, जब स्क्वायर करोगे तो देखो नाइन तो 83 है भाई, 9 83 है, फिर देखो स्क्वायर करोगे तो 4/9 आएगा, 4/ कितना आएगा बताओ, 9 आएगा, 4/9 आएगा, ये माइनस का 24/3 तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 2 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 प्लस 2 6, 6 में से अगर 8 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस का आंसर कितना होगा बताओ, उसका माइनस का 2। फाइनली तो आंसर आएगा भाई मिनिमम का आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन और ले सकोगे तो काम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर क्वेश्चन गिवन है, x
अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर क्वेश्चन गिवन है देन फाइंड y मैक्सिमम और y मिनिमम देन फाइंड y मैक्सिमम और y मिनिमम है y मैक्सिमम या y मिनिमम फाइंड आउट करना है बताओ वो इस टीम को लो कर रहे हैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो और जीरो वे प्रॉब्लम दो या गया d / dx y का वैल्यू कर दो 2x - x स्क्वायर हो गया और ये कितना आ गया बताओ जीरो आ गया सेपरेट कर दो इसको d / dx क्या आ गया 2x - d / dx तो ये क्या आ गया बताओ x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ जीरो आ रहा है तो को आउटसाइड ले लो कांस्टेंट है ये आ गया dx / dx हो गया n का वैल्यू 2 है पावर को मल्टीप्लाई में ले लो पावर जैसे 1 सबट्रैक्ट कर दो इक्वल में कितना आ रहा है बताओ 0 आ रहा है यहां से अपने पास आएगा 2 माइनस 2x इक्वल टू 0 बताओ 2x इक्वल टू 2 हो गया x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 1 सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अब क्या करना है अपने को डबल डिफरेंशिएशन करना है प्लीज d / y / dx / फाइंड आउट करना है इसको देख सकते हैं d / dx और dy / dx मीनिंग dy / dx का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या आएगा बताओ d / dx dy / dx का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं dy by dx का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 2 माइनस 2x 2 माइनस 2x सेपरेटली करते हैं उसको देखो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर ये आ गया d / dx ये हो गया 2 फिर माइनस का साइन आ जाएगा d / dx और ये आ जाएगा 2x बताओ d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा बताओ तो कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बताओ 0 हो गया माइनस 2 को आउटसाइड ले लिया ये आ गया dx ओवर dx हो गया यहां से माइनस का 2 आएगा 0 माइनस 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा तो इसके बाद में मैं यहां लिख देता हूं देखो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 2 आ रहा है और ये माइनस का 2 है वो लेस देन क्या है बताओ 0 लेस देन 0 है तो बताओ फंक्शन क्या देगा मिनिमा देगा या मैक्सिमा देगा ये मैक्सिमा देगा अब y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है मीनिंग अपने को y मैक्सिमम फाइंड आउट करना है y जो मैक्सिमम आएगा वो कब आएगा बताओ x का वैल्यू कितना रखने पे आएगा 1 रखने पे आएगा कितना आ गया बताओ ये आ गया 2 x का वैल्यू 1 रख दो ये 1 माइनस x स्क्वायर मीनिंग 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर y का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा कितना आएगा 2 माइनस 1 मीनिंग कितना आएगा y में उनका वीडियो वन है मीनिंग ये जो अपने को गिवन है y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है बताओ वन है मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ वन है अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हारे को देता हूँ फॉर्म भर देता हूँ वो करने हैं तुम्हारे को फिर कल
डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वेलोसिटी को, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखा है अपने को, तीन चार क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। देखो कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें मैक्सिमा भी आएगा और मिनिमा भी आएगा। अभी तक अपन जो कर रहे हैं उनमें या तो मैक्सिमा आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। अब कई क्वेश्चन में ऐसे भी देने वाला हूँ, तुम्हारे पास कराने वाला हूँ, एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमा भी आ रहा है क्या आ रहा है तो मिनिमा भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को गिवन है वो है वी ऑफ टी, वेलोसिटी है, टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, ये है टी टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस टेन, टी टी स्क्वायर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है अपने को। देखो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है टी टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस टेन, माइनस सिक्स टी प्लस टेन क्या फाइंड आउट करना है कि वी मैक्सिमम आएगा या वी मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, x cube minus 6x square plus 6। next question में अपने को given है y equal to 2x cube, y equal to 2x cube minus 15x square माइनस 15 एक्स स्क्वायर, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस 2 प्लस 36।